क्या वो अंदर? जी सर अंदर। योंजा, मुझे माफ कर देना जेमरे, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ये सब मत करो, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब देख लिया ना, ये क्या बकवास है। आगा साहब जानते हैं उसने मेरे साथ क्या किया। उसने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया। मैं एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और मेरी मंगनी भी हो चुकी है। अगर उन्हें ये सब मालूम हो गया तो पता नहीं वो मेरे साथ। वो डॉक्टर कहाँ है? उसकी तलाश जारी आगा साहब। ठीक है। क्या मरना चाहती हो तुम किरण? मुझसे मिलने कातिल आई है। अच्छी बात है कि तुम मुझे जान गई हो। अच्छा है। तो क्या सोच रही हैं आप, मुझे भी मार देंगी क्या? क्यों हम दोनों का वक्त जाया कर रही हो किरण? क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम बगैर लालच के कुछ भी नहीं करती। बिल्कुल आपकी तरह ना, अगर मैं आपकी औलाद होती ना तो बिल्कुल आप ही पर जाती मैं। किरण, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं। मैं तुम्हें वो दे दूंगी जो तुम चाहती हो, और बदले में तुम मुझे ये दे दोगी। क्या इतना आसान है? कितनी आसानी से कह दिया। मगर पहले क्या आप इस बारे में मुझे कुछ बताना पसंद करेंगी? क्या किया है ऐसा आपने? हाँ, वैसे तो मैं जानती हूँ कि आपने और नदीम के बाबा ने मिलकर किसे धोखा दिया और फिर किस तरह आपने आगा साहब से शादी का नाटक किया। दाद देनी पड़ेगी आपकी तो। हद में रहो अपनी, तुम कुछ भी नहीं। वैसे क्या खूबसूरत कहानी बनाई तुमने। अगर ये कहानी जाकर किसी को बताऊं तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है इस पर शुक्र है अल्लाह का, लालची इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। मुझे अपने खानदान की इज्जत की परवाह है। मैं अपने घर वालों के लिए, अपने शौहर के घर वालों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हत्ता के यहाँ तक कर सकती हूँ कि अपनी सास का छुपा राज तक बता सकती हूँ। ठीक है किरण, चलो काम की बात करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। अब से तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगी करने को, वरना उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगी किसी को उस घर से निकालने के लिए। अगर किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया तो वो मुझसे ज्यादा टूट जाएगा। बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर किसी ने भी मुझे परेशान करने की कोशिश की। अगर किसी ने ऐसा किया तो तुम उससे निपटोगी अपने तौर पर। तुम उस घर में किसी को भी मेरी बेइज्जती की इजाजत नहीं दोगी। कहने का मतलब यह है कि तुम अब से मेरी हिफाजत करोगी। समझ गई ना तुम? मैं समझ गई। तो फिर वादा कर। मैंने कहा ना मैं समझ गई। अगर वादा करती हो तो अभी डिलीट कर दूंगी इसे, लेकिन ये मत भूलना कि इस तरह के दर्जनों रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। अगर तुमने कुछ भी बुरा करने की कोशिश की मेरे साथ तो इन रिकॉर्डिंग्स को खबर बनने में वक्त नहीं लगेगा।
खबरों की जीनत बनेंगी, फिर खबरों में सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, तुम भी गर्दिश करोगी। एक्सक्यूज मी, इन्हें बिल दे दीजिए प्लीज। जी ठीक है मैडम। आपकी रंगत कितनी फीकी पड़ गई है, ये लगाएं। मेकअप कर लें थोड़ा, रख ही लीजिए, आपको खूबसूरत दिखते रहना चाहिए। रख ले, जरूरत पड़ सकती है इसकी। जान, आखिरकार तुम उठ गए। तुम ठीक तो हो? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? एक मिनट रुको, मैं अभी नर्स को बुला के लाती हूँ। क्या हुआ था? कुछ हुआ था, लेकिन अब सब सही है, तुम ठीक हो। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, और तुम्हारी इस हालत की वजह से एक लम्हे को भी आंख नहीं लगी मेरी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक पल को तो लगा था जैसे मैं तुम्हें खो दूंगी। क्या सब खत्म हो गया? क्या सब खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल। मेरे बाबा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा एक लम्हे को साथ नहीं छोड़ा, तुम्हारे पास ही थे वो। तुम्हारा मुश्किल वक्त अब खत्म हो गया, अब हकीकत वो होगी जो तुम अपने हाथ से लिखोगे, अपनी कहानी। और उस कहानी का हर फैसला तुम अब खुद करोगे, और अपनी मर्जी से उसके किरदार चुनोगे। अब तुम्हारे माजी का बोझ तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। अब वो पीढ़ियां टूट गई हैं जान, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। कहाँ तुम बेटा? मैंने दस्तक दी थी, तुमने जवाब नहीं दिया। माफी चाहता हूं, मैंने सुना नहीं। बात यह है कि
मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा अभी, और उसके जवाब में सिर्फ सच बोलोगे तुम। बिल्कुल अंकल। और मुझे उम्मीद है कि तुम जरा सी बात भी नहीं छुपाओगे मुझसे। कुछ हुआ है क्या बेटा? मुझे जवाब चाहिए तुमसे। जो कुछ भी जान ने माजी के बारे में बताया था, उसके अलावा कुछ है तो बता दो। बजाय इसके कि ये अपनी शादी का जोड़ा सीए लोगों को सी सी के दे रही है, ये लड़की तुम्हारी अकल की तो दाद देनी चाहिए। अपने लिए भी जरूर बना लूंगी दादी जान, पर पहले मेरे लायक कोई मिल तो जाए। क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? क्या मना रही हो? किस बात की खुशी है तुम्हें? फैमिली का साथ होना ही बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम्हें कहाँ इस सब के बारे में पता होगा? कितनी अच्छी फैमिली है ना, एक दूसरे को खिड़की से बाहर फेंकती रहती है, तकलीफ पहुंचाती है हर वक्त। कितना अच्छा नाटक करते हो फैमिली होने का। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग गया रायमा? सालों से तुम अपने खानदान में झूठ के साथ जी रही हो, पूरी फैमिली में से नजर ना लगे किसी को। माशाल्लाह। किरण तुम्हें तो मैं, क्या हो रहा है यहाँ? आज तो आप जल्दी आ जाएंगे ना? जान के आने पर मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग साथ हों। रायमा ने बहुत दिल से तैयारी की है। चलता जाऊंगा मैं। हम अभी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। रायमा के एक चाचू भी हुआ करते थे ना, मुमताज। क्या तुम मुझे उनके बारे में कुछ बताओगी? मैं जानना चाहती हूँ, आखिर वो मेरे शोहर के बाबा थे, ससुर हुए ना वो मेरे रिश्ते में। रायमा चलो चलकर तुम्हारे भाई को लेकर आते हैं। तुम नीचे जाओ, मैं नौरीन को बता दूं कि और क्या लाना है। ठीक है। तुम्हें इस तरह मचलता देखकर जानती हो कितना मजा आ रहा है शहनाज। सूखे दरख्त के पत्ते की तरह अपने सामने तुम्हें गिरता देखकर अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। जिहान, तुम्हारा फोन चोरी हो गया है क्या? नहीं, मेरे पास है। बहुत खूब जिहान, तो फिर तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई? ऐसी कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल में था और वहाँ पर काफी सारे लोग थे। तुम्हारा फोन भी तुम्हारे पास था और तुम करीब भी रहते हो, इससे जाहिर होता है कि तुम इग्नोर कर रहे हो मुझे। क्या जो कुछ भी क्लब में हुआ था तुम भूले नहीं हो? कहाँ की बात कर रहे हो तुम दोनों? क्लब से हॉस्पिटल जिहान मुझे लेकर आया था। जिहान, ये सब किचन में ले जाता हूँ, पकड़ो इसे। और नौरीन साहिबा से पूछ भी लेना, अगर किसी भी चीज की उन्हें जरूरत हो तो तुम जाकर बाजार से लेकर आना।
रायमा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस लड़के से दूर रहना तुम। मैं पहले ही बहुत सी मुश्किलों से लड़ रही हूँ, खुदा के वास्ते मेरी मुश्किलें मत बढ़ा। बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रही है? मैं बात बढ़ा रही हूँ रायमा, आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं हो, समझ गई? पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या बाबा इंतजार कर रहे हैं मेरा? बिल्कुल वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, बस वो किसी जरूरी काम से निकले हैं, लेकिन कह रहे थे कि तुम्हारे आने तक वो घर पर ही होंगे। बात सुनो, मैंने तुम्हारे बाबा से इस बारे में बात कर ली है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, मगर अब तुम्हारे बाबा भी देंगे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जान साहब, अब तो आप बेहतर लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने तमाम तफसीलात जैमरे साहिबा को बता दी हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखेंगी, और फिलहाल आपको आराम की जरूरत है, इनका बहुत ख्याल रखना है आपने जैमरे साहिबा। आप फिक्र नहीं करें डॉक्टर साहब, मेरे भाई की बीवी खुद एक नर्स है, वो इनका अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगी। ठीक कहा ना? ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया मेरा भाई। तुम्हारे बगैर घर बहुत खौफनाक लग रहा था। सच कह रही हूँ मैं, मुझे तो रात में घर में अकेले चलने में भी डर लग रहा था। बस करो, ये ज्यादा हो गया। मैं कह रही हूँ हमारे घर में जिन है, चलो चल के उनको भगाते हैं। नदीम, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या माजी की अभी भी ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम? मेरी तरफ देखो और जवाब दो। अगर कुछ है तो तुम्हें बताना होगा नदीम, कुछ नहीं छुपाना मुझसे। एक बार फिर सोच लो, और अगर कुछ ऐसा है तो फौरन बता दो मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जान, आपको सब कुछ बता चुका है, अब सब ठीक है। कोई रहम नहीं होगा, कुछ भी नहीं भूला मैं, कोई रहम
नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, नहीं होगा। आगे बोलो, आगे आप सबके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त जान को आराम की जरूरत है। मैडम शनाज, क्या आप बता सकती हैं इसने ऐसा क्यों किया? क्या बचपन में नदीम कराचाई को जान नहीं धक्का दिया था? क्या इनकी वजह से ही नदीम कराचाई ने इतने साल अपाहिज की जिंदगी गुजारी? जान सर, क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? जान सर, जरा आप बताइए कि आपकी नदीम से क्या? जान सर, आपके पास गन कहाँ से? जान सर, आपने खुद को गोली क्यों मारी थी? हमारे सवालों के जवाब दिए बगैर आप नहीं जा सकते, रुकिए। जान सर प्लीज हमें बताइए कि नदीम को धक्का देने के पीछे आपकी क्या वजह थी? जान सर प्लीज हमें बताएं हमें क्या हुआ था। जान सर प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जान सर आप सुन रहे हैं? जान सर आप चुप क्यों रहे हैं? क्या सच में आपने खुदकुशी करने की कोशिश की है? बताएं हमें। जान सर आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ था। प्लीज जान सर बताएं हमें, बात तो सुने। प्लीज जान सर कुछ तो जान करना चाहिए, हमारे सवालों के जवाब दिए बिना यहाँ से जा चुके हैं। शुक्र है कि घर पहुंचे। आ जाओ। आराम से। अल्लाह सेहत याब करे तुम्हें। अल्लाह आपको जल्द सेहत याब करे। चलो आ जाओ बेटा। रायमा ने किया है ये सब कुछ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। खुशामदीन। मुझे लगा अस्पताल में तुम थक गए होगे, इसीलिए लाई हूं तुम्हारे लिए। बैठोगे नहीं इस पर? नौरीन, ले जाओ इस कुर्सी को यहां से। अम्मी खाना बहुत ही मजे का है, बहुत लज्जत है आपके हाथों में। हमेशा अपनी माँ की ही तारीफ करना तुम, इस खाने को अच्छा कहते हो। एक बात बताएं दादी, अगर हम हंसी खुशी खाना खा लेंगे तो कुछ हो जाएगा? खैर ये आपका कसूर नहीं बल्कि आपकी उम्र का कसूर है। हाँ क्यों, क्या हो गया मेरी उम्र को भाई? हाँ बिल्कुल, हमारे मरने के बाद भी 100 साल जियेंगे। तौबा तौबा।
लड़का चाहिए मुझे जो बस बच्चों बीवी और घर का आशिक हो। ज्यादा हैंडसम ना भी हो तो चलेगा। मेरा नाम आतिश है। और मेरा नाम है आगा। इस तरह खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आ जाइए। ऐसे कैसे कर सकती हो शहनाज? नदीम के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? कैसे? निकल जाओ यहां से। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? मॉम को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? एक लफ्ज नहीं, सब अपनी जगह बैठे रहेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक लफ्ज नहीं सुनने वाला मैं किसी की। मुझे जो जानना था मैं जान चुका हूं। ले जाओ इसे। क्या मतलब है कि ले जाओ यहां से? क्या मतलब है आगा, आपके कहने का क्या मतलब है? छोड़ो मुझे, मुझे कुछ बात करनी है पहले। खुदा के लिए मत कर, मत करे ऐसा, मत करे। नहीं आगा, मत करे ऐसा। मॉम, आप नहीं जा सकते। क्या हो गया तुम्हें? मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ। मैंने कहा हट जाओ मेरे सामने से, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। आगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मेरी बात तो सुनो, कम से कम मुझे एक मौका तो दे। ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है? निकालो इसे। नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे। मैं इस खानदान की बहू बीवी हूँ मैं आपकी, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आप? होती तो ऐसा कभी ना करती। अगर तुम मेरी बीवी होती तो मेरी पीठ पीछे साजिशें ना करती। इस घर में तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, अब तुम जा सकती हो। दफा हो जाओ, ले जाओ इसे। बात सुने, छोड़ो मुझे। आगा, आगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पछताएंगे आप। इस तरह नहीं निकाल सकते आप मुझे। आगा, मेरी बात सुने, छोड़ो मुझे, पीछे हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जयान बेटा, क्या हो रहा है? शहनाज साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं? खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। शहनाज साहिबा, क्या हुआ शहनाज साहिबा? शहनाज साहिबा, क्या हुआ है? क्या है ये सब? कहाँ लेके जा रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें, जरा भी शर्म नहीं आ रही इनके साथ ऐसा सलूक करते हुए। छोड़ो इन्हें। होश में तो हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इनका हाथ। सुना नहीं तुमने? छोड़ो, छोड़ो इन्हें, छोड़ो इन्हें, जरा भी शर्म नहीं है तुम लोगों में। हाँ, पीछे हटो। आइए शहनाज साहिबा, आइए आइए, चले चले मेरे साथ।
तौबा तौबा। बाबा बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मोम को घर से बाहर निकाल दिया है। बाबा आप मेरी मोम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका क्या मतलब कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया? आखिर मेरी मोम ने ऐसा क्या किया है जो आपने उनके साथ ये शुरू किया? बाबा आप चुप क्यों हैं? प्लीज कुछ कहें कि आखिर ये सब क्या है? खुदा के वास्ते सब खामोश क्यों खड़े हैं? कोई बताएगा मुझे आखिर की बात क्या है? मोम ने किया क्या है? बस बहुत हो गया, बस कर दूं? बस कर दो, कह दिए ना। बाबा इतना सब हो जाने के बाद आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं बस कर दूं? हटो मेरे रास्ते से, मैं मॉम के पास नहीं जाओगी तुम, समझी? बैठो जाके। किस्मत ने कैसा पलटा खाया। आगा साहब से लड़ाई हुई क्या आपकी? पानी पीजिए शहना साहिबा, पानी पिए। नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या कहना चाह रही हैं आप? हमें बताइए ताकि पता चले ऐसा क्या नहीं हो सकता। निर्माण अम्मी सवाल जवाब बंद करें, इनकी हालत तो देखें। इनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं, ठंडे, सर्दी से कांप रही हैं। ये उड़ा देती हूं ताकि गर्माई मिले। अरे आप तो एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाल रही, आखिर बताइए तो मामला क्या है? हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सके? ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं खुद ही पता लगा साहिबा। अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? सर्दी तो नहीं लग रही? भाई भाई क्या तुमने मॉम की हालत नहीं देखी? तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो भाई, कुछ करो। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? बुत बने क्यों खड़े हो? रहमा बस करो, संभालो खुद को, संभालो। हाथ मत लगाना मुझे, नहीं लगाना। मुझे तुम्हारी तसल्ली की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सच जानना है। मॉम ने ऐसा क्या किया है जो डैड ये कर रहे हैं? रहमा पुरसकून हो जाओ तुम। मुझे अपने सवालात का जवाब चाहिए। हर दफा आप लोग मुझे खामोश करा देते हैं, कोई मुझे नहीं बताता किस घर में क्या हो रहा है। माजरत चाहती हूँ, मैं इस तरह चली आई। वो शहनाज साहिबा की हालत बहुत बुरी है, हमारे घर में कांप रही है पत्ते की तरह। क्या मॉम आपके घर पर है? क्या शहनाज अभी यही है? जब हमने उनको इस हालत में देखा तो हम उन्हें अपने घर ले गए। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, चलो अंदर। बस बहुत हो गया, कोई भी घर से कदम बाहर नहीं निकालेगा, समझे? एक कदम भी नहीं। घर से बाहर निकालने के लिए कहा था ना साहब, वो उधर क्या खड़े हो? चलो